हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरीहा जी, आप सबकी डाइटिशन। आज मैं बात करना चाहूँगी डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड आर क्रेविंग्स अराउंड इट। आप जब आपका जब इंटरव्यू होता है या आपका एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं या आपके कपड़े दर्जी ख़राब सी देता है तो यू गेट स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी होती है, यू वॉन्ट टू ईट 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 ईट। ठीक है, एक दिन की बात है, यू गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, आपको एंग्जाइटी हो रही है, गो फॉर इट, हैव इट, जो खाने का दिल करे खा ले। एक दिन की बात है ना, एक दिन की बात है, आपको स्ट्रेस होगी, खैर। अगर आपको रोजाना स्ट्रेस हो रही है, रोजाना एंग्जाइटी हो रही है और आप उसकी वजह से यूर ईटिंग सो प्रॉब्ली समथिंग एल्स। रोजाना किसी को स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होती, सो प्रॉब्ली यूर गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। सो ट्राई टू लुक एट द रूट कॉज, उस रूट कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करें, गो एंड सी योर डॉक्टर, उसका इलाज करें। इट्स डिप्रेशन कोई ऐसी बात नहीं है, बीमारी है, जिस तरह से हमें और बीमारियाँ होती हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपनी डिप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, गो ऑन मेडिकेशन, गो सी योर डॉक्टर। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि क्रेविंग्स के बारे में। क्रेविंग्स का ये होता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमारी इंटरनल जो डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में, हम उनको क्रेव करने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो हमें चॉकलेट खाने का दिल करता है, हमें एनर्जी की कमी है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाने, हम शुगर्स खाने का हमारा दिल करता है। लेकिन दिस इज जस्ट अ स्कूल ऑफ थॉट, और इसका ये है कि अभी ये प्रूवन नहीं है। लेकिन दिस इज, मैंने जब क्रेविंग्स की बात करी थी तो आई थॉट कि आई टॉक अबाउट इट एज वेल, कि जो हमारी इनर डेफिशिएंस होती है वो हम क्रेव करते हैं। तो इसका बेस्ट हल ये है कि नेवर स्टे हंग्री, ऑलवेज कीप फुल। और मैं हमेशा जब बात करती हूँ आप सबसे कि हमेशा हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ खाएं कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज ना डिवेलप हो। फिर इसके अलावा अगर आपकी स्लीप कंप्लीट ना हो तो उससे भी आपको क्रेविंग्स हो सकती हैं। तो मेक श्योर यू गेट एनफ स्लीप, आपका हॉर्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से यू फील यू गेट दोज क्रेविंग्स। पुअर हाइड्रेशन, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जब आपकी बॉडी में इनफ फ्लूड नहीं होता आपको क्रेविंग्स होती हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर फुली हाइड्रेटेड। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में इनफ फाइबर इनटेक नहीं करे, इनफ प्रोटीन इनटेक नहीं करे, तब भी यू कैन गेट क्रेविंग्स। ये इन चीज़ों का ध्यान करें। इसके अलावा हम एज ह्यूमन बींग्स वी हैव मेड एसोसिएशंस। हम जब सिनेमा जाते हैं वी हैव मेड एसोसिएशन कि सिनेमा में हमने पॉपकॉर्न खाना है, अगर ईद है या कोई खुशी का दिन है तो हमने मिठाई खानी है। इसी तरह से जब हमें स्ट्रेस हो रही है तो हमने क्या करना है, हमने कंफर्ट ईटिंग करनी है। तो इट इज़ अबाउट ब्रेकिंग दीज एसोसिएशंस, ब्रिंगिंग एन एंड टू दीज एसोसिएशंस, विच इज रियली हार्ड। बट फूड इज ऑल अबाउट योर हेड, योर माइंड, योर मेंटल स्टेट, योर इट्स ऑल अ साइकोलॉजी। सो इट्स अबाउट ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स, ब्रेकिंग दीज एसोसिएशंस। फिर मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे वो सख्त क्रेविंग से, बस हमें तरीका बताओ कि हम क्रेविंग से कैसे जान छोड़ें, क्या करें। सबसे पहली बात है कि सेल्फ कंट्रोल, आप अपने में कंट्रोल पैदा करें। ऐसा इफ यू आर डिटर्मिंड अबाउट वेट लॉस, आई एम श्योर यू हैव सेल्फ कंट्रोल एज वेल। यू डिफरेंट फेथ के लोग डिफरेंट फास्ट करते हैं, हम भी रोजे रखते हैं और फेथ के लोग भी रोजे रखते हैं। तो क्या आप अपने रोजे में आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आप खाते हैं? नहीं खाते ना, आप में सेल्फ कंट्रोल होती है, तो आप अपने में वो सेल्फ कंट्रोल पैदा करें। प्लस अगर आपको ऐसी क्रेविंग्स हो तो ब्रश योर टीथ, व्हेनेवर यू फील लाइक कुछ खाने का दिल करो तो ब्रश योर टीथ। उसके बाद में अगर खाने का दिल करो तो जस्ट हैव इट, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर अब किसी चीज का खाने का दिल करे, सीढ़ियां चढ़े, 1, 10 दफा सीढ़ियां चढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस दफा सीढ़ियां चढ़े, उसके बाद भी अगर आपको वो चीज खाने का दिल करे ना, खा लें, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी क्रेविंग तब तक खत्म हो गई होगी। क्रेविंग आ गई है, मैंने चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खाने से पहले खाएं, पहले अपनी मदर को फोन करें, अपनी बहन को फोन करें, फ्रेंड को फोन करें, 10-15 मिनट फोन पे बात करें, फोन बात जरूर करें, उसके बाद आप देखें आपकी क्रेविंग बहुत हद तक इधर उधर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको क्रेविंग हो रही है फिर खा लें। इसके अलावा मैंने वो सीढ़ियों की बात की ना, घर में सीढ़ियां, तो घर के 4-5 चक्कर लगा लें, उसके बाद भी अगर क्रेविंग हो रही हो तो फिर खा लें। और जो मैंने एसोसिएशन की बात की है ना, कि जब भी आपको क्रेविंग हो, और हम कहते हैं कंफर्ट फूड खाना है, तो आपको जब भी क्रेविंग हो आप एसोसिएशन बनाना शुरू कर दें टूथब्रश के साथ। जब भी आपको क्रेविंग हो आप टूथब्रश करें और ये एसोसिएशन बनाना शुरू कर दें। बड़ी अजीब लग रही है लेकिन जस्ट गिव देम अ गो,
ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, अगर आप अपनी क्रेविंग से इतना ही तंग है, ठीक है। अब अगर आपको क्रेव स्वीट चीज़ों की क्रेविंग्स हो रही है, तो थोड़े से आइडियाज अपने घर में चॉकलेट स्प्रिंकल्स रख लें, चॉकलेट बटन्स रख लें, और ऐसे करें जब योगर्ट में फ्रूट और वो स्प्रिंकल्स मिक्स कर लें, फिर दो तीन चॉकलेट के क्यूब्स मेल्ट कर लें, उनको फ्रूट में मिक्स कर लें, वो खा लें। बनाना कैसे करें ना कि ब्लेंड कर लें एंड देन पुट इट इन द फ्रीजर। उसका टेक्सचर इतना अच्छा होता है, आइसक्रीम जैसा टेक्सचर होता है। यू कैन इवन पुट सम मोर फ्रूट ऑन टॉप और थोड़ा सा वो चॉकलेट स्प्रिंकल्स उस पर डाल दें, तो इट्स अ वेरी नाइस, आपका स्वीट टूथ को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको किसी सॉल्टी चीज़ खाने का दिल करे, पॉपकॉर्न खा लें, हुमस विद वेजिटेबल्स खा लें, ऑलिव्स खा लें, तो यू कैन एम फॉर हैविंग समथिंग हेल्थी। और अगर इन सब चीज़ों से काम नहीं बन रहा, आपने जो खाना है वो खाना है, तो बस खा लें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जस्ट बी माइंडफुल, ये इन सब चीज़ों को बस जहन में रखें कि आपकी स्लीप कंप्लीट हो, आपका पेट भर। आप अक्सर हमारी क्रेविंग्स तब होती है जब हमारा पेट भरा नहीं होता, पेट खाली होता। अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपना हेल्थी ईटिंग करें, अपने न्यूट्रिएंट्स को फुल रखें, और ट्राई टू ध्यान को इधर उधर करने की कोशिश करें जब आपको क्रेविंग्स हो। और मैंने आपको थोड़े से आइडियाज़ भी दे दिए कि ये किस तरह से आप अपनी स्वीट टूथ को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और सॉल्टी टूथ को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ एनी क्वेश्चंस, प्लीज यू कैन आस्क एंड आई यू नो आई विल आंसर यू बैक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।